हेलो जी, हेलो 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 है। आप में से जो लोग बोलते हैं ना कि रणवीर वो यार आप दिखा देते हो कोरमा वोरमा, इतना हैवी हो जाता है, बंदा हफ्ते में एक बार खाता है या फिर जो है खा तो लेता है, रात को पेट में वैसे ही बैठा रहता है, तो कुछ लाइट दिखाओ लेकिन मुगलिया दिखाओ। तो जी नमस्कार, मैं हूँ रिजाला, नहीं नमस्कार, मैं हूँ रणवीर ब्रार, और आज बनाएंगे मुर्ग रिजाला। ठीक है, कुछ नहीं है, चिकन ले आइए, थोड़ा प्याज अदरक लहसुन आपके पास होता ही है, बस म्यूजिक के बाद है। तो जी मुर्ग रिजाला बनाने के लिए आपको चाहिए मुर्ग और रिजाला। नहीं, रिजाला तो बनाना पड़ेगा ना। देखिए जी, आप ड्रमस्टिक ले सकते हैं, थाई ले सकते हैं, जो भी लें विद बोन लें, हैं? कोई भी ग्रेवी जो लंबे समय तक पकनी है उसमें जो जायका है वो हड्डी से ही आएगा। बोनलेस चीज़ जो है वो बस खाने में आसान होती है, जायका वायका कुछ नहीं देती। साफ कहना, सुखी रहना, ठीक है ना। अभी सबको पता है, मैं फिर भी बता देता हूँ, जो हमारे साथ नए जुड़े हैं उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये चिकन टंगड़ी को जो सफ़ेद वाली साइड है ये वहाँ से ऐसे काट लें, क्योंकि यहाँ पर रेशे होते हैं और वो रेशे जो है पकने के बाद खिंच जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, और जब वो टाइट होते हैं तो मीट को भी खींच लेते हैं और मीट जो है वो टफ़ हो जाता है। ये देखिए, ये रेशे हैं ना, ये जब पकते हैं तो श्रिंक हो जाते हैं और मीट जो है वो खिंच जाता है, अंग्रेजी में टेंडन बोल देते हैं। कनेक्टिव टिश्यू, जिसने जिसने बायोलॉजी पढ़ी है उसको पता होगा कि टेंडन, लिगमेंट, ये सारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। तो बस ये कनेक्टिव टिश्यू बावर्चियों का दुश्मन है। एंड डन। मैरिनेट करने के लिए डालेंगे नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, दही और वाइट पेपर पाउडर, यानी कि सफ़ेद मिर्च का पाउडर। ग्रीन पेपर कॉर्न को उबाल दिया जाता है तो वो सफ़ेद हो जाती है, उसका पाउडर। इससे क्या है ना, तीखापन आ जाता है, रंग नहीं आता। ब्यूटिफुल। चिकन को कर लिया मैरिनेट, ठीक है, और उसके बाद इसको छोड़ दिया। कितनी देर छोड़ा? कम से कम नहीं तो 15 से 20 मिनट। दही जो है वो चिकन को करेगी टेंडराइज। कुछ लोग क्या करते हैं, आधा दही चिकन में डालते हैं, आधा दही सीधा ग्रेवी में डाल देते हैं, कुछ लोग पूरा का पूरा दही चिकन में डाल के मैरिनेट कर देते हैं। आप जो भी करना चाहें, बस ये समझ लीजिए दही और चिकन एक बार मैरिनेशन में साथ में मिलना चाहिए। यहाँ पर मैं 50-50 कर रहा हूँ, आधा आधे थोड़ा ज़्यादा दही मैंने चिकन में डाल दिया और बाकी मैं ग्रेवी में डालूँ, ठीक है जी। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, पता था मेरे को, रेसिपी देखने से पहले सब्सक्राइब करिए। चलिए रेसिपी। अब जी बनाना है प्याज का पेस्ट, उसके अंदर डाल लीजिएगा एक हरी मिर्च। प्याज जो है अगर आपको ये मिल रहा है तो अच्छा है, लेकिन अगर ये मिल रहा है तो बहुत अच्छा है। कभी भी वाइट ग्रेवी बनानी हो तो सबसे सफ़ेद प्याज ढूंढ लीजिए। अभी अगर ये वाला प्याज मिल रहा है तो हम ये यूज़ करेंगे, हमको मिल रहा है। तो प्याज के अंदर डालना है बिल्कुल थोड़ा सा तेल और उसका बना लेना है पेस्ट। लाल हो सफ़ेद हो, कट करो, चॉप करो, जो मर्जी करो, अपने को प्याज ने रुलाना ही है भाई। गॉड, प्याज के पेस्ट में थोड़ा नमक और थोड़ा तेल, प्लीज़ बारीक पेस्ट बनाना है। थैंक यू वेरी मच, आप मत रोइएगा। अब क्या रह गया? कुछ नहीं रह गया, चिकन हो रहा है मैरिनेट, पेस्ट आप बना रहे हैं। एक काम करते हैं, बैठ के आराम से रिजाला की कहानी सुन लेते हैं, क्योंकि रिजाला सिर्फ रिजाला नहीं है, इमोशन है। कोलकाता में सब कुछ एक इमोशन है, रिजाला भी एक इमोशन है, भोपाल में भी एक इमोशन है, कोलकाता में भी है, भोपाल में भी है, लेकिन भोपाल वाले में धनिया पड़ता है। कोलकाता से भोपाल कैसे पहुंचा? लखनऊ से क्या कनेक्शन है? रणवीर से मिल लीजिए। देखिए रिजाला का मतलब ये समझ लीजिए कि एक रोज़मर्रा खाया जाने वाला एक नवाबी कोरमा। अब जैसे लखनऊ के नवाब लखनऊ में बहुत हैवी कोरमा खाते थे, कलकत्ता जाके उन्होंने उम्र के साथ और क्लाइमेट के साथ समझौता किया और ऐसी चीज़ें इंक्लूड करी जो कि लोकल हों और कम गर्मी पैदा करें, क्योंकि लखनऊ जैसी सर्दी नहीं होती है वहाँ पर, तो इसलिए काफ़ी चीज़ें चेंज हुई। लखनऊ बिरयानी हल्की होके कलकत्ता बिरयानी बनी और लखनऊ कोरमा हल्का होके
ये जो बंगाल का रिजाला है वो बना, राइट। और रिजाला में इसीलिए लोकल इंग्रेडिएंट्स आए, जैसे पोस्तो यानी कि पॉपी सीड्स। रिजाला आज भी कई घरों में सरसों के तेल में बनता है। तो इस तरह से कार्डमम का मेन फ्लेवर दिया गया ताकि शरीर को ठंड मिले। तो इस तरह से काफ़ी इंग्रेडिएंट्स को अडेप्ट किया गया ताकि बढ़ाते हुए नवाब साहब बदलते हुए मौसम के साथ एडजस्ट कर सकें। लेकिन एक और रिजाला है जिसकी कहानी सुनानी बहुत ज़रूरी, वो है भोपाल का रिजाला। भोपाल की बेगमों ने, जो नवाब थी वहाँ की, उन्होंने जब रिजाला देखा तो उन्होंने भोपाल में रिजाला लाना चाहा, लेकिन भोपाल का पानी अलग था और भोपाल के पानी के साथ में रिजाला को बैठाने के लिए रिजाला ने एक और एडजस्टमेंट किया, और वो एडजस्टमेंट था कोरिएंडर, ग्रीन कोरिएंडर कोथमीर का। भोपाली रिजाला में बहुत सारा धनिया डाला जाता है बिकॉज भोपाल में लेक्स हैं और उन लेक्स का पानी कई बार पेट के साथ बैठता नहीं है। उस एडजस्टमेंट को बैठाने के लिए हरा धनिया, हरे धनिए का पेस्ट, चौप हरा धनिया डाला जाने लगा। इस तरह एक डिश जो लखनऊ से चल के मटिया ब्रिज कलकत्ता के पास पहुंची और वहां से चल के हैदराबाद पहुंची, किस तरह उस डिश ने अपने आप को लोकल क्लाइमेट, लोकल पानी के साथ एडजस्ट किया, वो एक खूबसूरत स्टोरी है। दैट इज द स्टोरी ऑफ रिजाला। मिल लिए रिजाला से, वो मिलना जरूरी था क्योंकि लोगों को लगता है कि नवाब वाजिद अली शाह की कहानी जो है वो लखनऊ में खत्म हो गई। लखनऊ में खत्म नहीं हुई। थैंक यू जी। पेस्ट बहुत अच्छा बनाया आपने, इतना अच्छा बनाया कि दिल कर रहा है कि एक पेस्ट और बनवा लूं आपसे। देखिए, काजू है और ये खसखस है, ठीक है जी। खसखस क्यों? अब तो आप जानते हैं, क्योंकि खसखस के बगैर बंगाल में खाना नहीं बन सकता। तो जब नवाब साहब आए तो भैया हकीमों ने कहा कि यहाँ का भी मामला इस्तेमाल करो, यहाँ के भी इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करो, वरना अब आप बुढ़े हो चुके हैं, भारी खाना आपको सूट नहीं करेगा। तो इसलिए खसखस पोस्तो रिजाला में आ गया। सोख किया हुआ खसखस, सोख किए हुए काजू, बाकी गॉड इज ग्रेट। अच्छे से बनाए, एकदम बारीक। थैंक यू। तेल और घी, बाकी उसके अंदर खड़े मसाले। खड़े मसालों में दालचीनी, आई नो कई सारे बंगाली मित्र नाराज हो जाएंगे, रणवीर लौंग नहीं डालते ज्यादातर जगहों पे। भाई हमको जिन्होंने रेसिपी सिखाई उन्होंने लौंग डाला था, हम तो लौंग डालते हैं। सब कुछ लिया और भगवान का नाम लेके छोड़ दिया। उसके बाद लाल मिर्च, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, रिजाला जो है वो इसके बगैर नहीं बन सकता। बीज चाहे निकाल दें लाल मिर्च के इफ़ यू वांट, अगर तीखापन कम चाहिए, लेकिन लाल मिर्च ज़रूर डालें, ठीक है जी। ब्यूटिफुल। लाल मिर्च को जलाना नहीं है, आमतौर में कहता ना मिर्च को दाग दीजिए, जला लीजिए, यहाँ पर नहीं। मक्खन क्यों डाला मैंने? क्योंकि मेरा मन किया। तुरंत जैसे ही बस हल्का सा लाल मिर्च रंग पकड़ ले, प्याज का पेस्ट, गैस स्लो, रंग देखिए कितना फर्क पड़ जाता है। कुछ लोग जो क्या करते हैं, जब चिकन मैरिनेट करते हैं ना तो उसके अंदर मक्खन को पिघला के डाल देते हैं, उससे और रिचनेस आती है। कुछ लोग घी डाल देते हैं चिकन मैरिनेट करते टाइम, उससे और रिचनेस आती है। पुराने जितने बावर्ची हैं वो हमेशा दही का जो भी मैरिनेशन होता था उसमें थोड़ा सा डालडा डालते थे, उसे क्या फ़र्क पड़ता था। डालडे की जो चिकनाहट है ना उसका कोई मुकाबला नहीं। तो इसलिए चाहे बिरयानी के लिए आप गोश्त मैरिनेट कर रहे हो जहाँ पे दही हो, या टिक्के के लिए, या किसी भी चीज़ के लिए, उसमें वो हमेशा थोड़ा सा डालडा मेल्ट करके डालते थे पुराने बावर्ची। हम नहीं डालते, क्यों? क्योंकि डालडा में जो है सैचुरेटेड फैट होता है, हाइड्रोजनेटेड फैट्स हमारे लिए अच्छे नहीं होते। जितने चचा हैं ना लखनऊ के, हैदराबाद के, भोपाल के, कोलकाता के, सब डालडा ढूंढते हैं आज। कुछ लोग क्या करते हैं, और कभी कभी मैं भी करता हूँ, कि चिकन को मैरिनेट करने के लिए बस थोड़ा सा दही भी डाल सकते हैं, और बाकी सारा दही जो है वो पहले प्याज डालने के बाद भून लीजिए उसको, ठीक है ना। पहले प्याज भूना, प्याज डालने के बाद 90% ऑफ दही भून लिया, 10% जो दही है वो सिर्फ मैरिनेशन में बाद में आएगा, उससे दही के भुनने का एक अलग सा जायका आ जाता है। नाइस। अब चिकन अपना पानी छोड़ेगा, दही अपना पानी छोड़ेगी, 5-7 मिनट तक इसको देखना भी नहीं है। आप चाहें तो ढक्कन लगाने से पहले एक चम्मच घी ऊपर से डाल सकते हैं, उससे जो है मसाला और अच्छा फटता है, ठीक है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि मेन चीज़ यहाँ पर ग्रेवी का फटना है।
ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आपको प्याज कम डालना है, प्याज थोड़ा कम डाल लीजिए। ग्रेवी जो है वो दही की वजह से फटेगी, प्याज उस ग्रेवी को बांधेगा, ठीक है। तो अगर आप बनाना चाहें तो ये है इसका रेशियो, काली मिर्च, छोटी इलायची, जावित्री, ठीक है ना, और बहुत थोड़ा सा धनिया, बिल्कुल थोड़ा सा। इसमें डालिए नमक और इसको पीस लाइए, नहीं मैं पीस लाता हूँ, हर बार आपको थोड़ा ना बोलूँगा, आप ज़रा चिकन का ध्यान रखिएगा, आता हूँ मैं। मसाला आ गया, ठीक है जी। दूसरा, रिजाला में केसर बड़ा ज़रूरी है, और वक्त दीजिए, जब चिकन अपना पानी छोड़ दे, दही अपना पानी छोड़ दे, ऐसे देखिए बढ़िया तेल ऊपर आ गया ना, तेल ऐसे ऊपर आ जाए, फिर केसरिया तेरा, समझा ना, केसर डालना है। अगर केवड़े का इत्र है तो बस एक ड्रॉप, अगर केवड़े का पानी है जो कमर्शियली सबको मिलता है तो एक बड़ा चम्मच। यहाँ पर जो मैंने पेस्ट बनाया था ना, वो हाँ खसखस काजू वाला, वो पेस्ट हिसाब से डालिएगा, ज़्यादा नहीं डालना है। ग्रेवी को एकदम कोरमे ऐसा गाढ़ा नहीं करना है, ठीक है। अगर आपकी दही पतली है तो ये ग्रेवी बहुत पतली हो जाएगी, उस केस में आपको पेस्ट थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ेगा। अगर आपकी दही गाढ़ी है तो ग्रेवी गाढ़ी रहेगी बस, या अगर आप प्याज कम डाल रहे हैं, दही ज़्यादा डाल रहे हैं तो भी ग्रेवी पतली हो जाएगी। तो उस केस में पेस्ट थोड़ा कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर लीजिए। पेस्ट का जो रेशियो है वो यूँ समझ लीजिए कि दो भाग खसखस, एक भाग काजू, काजू बस नाम भर का, और लास्ट में डाल के भूनना ज़रूरी है। मतलब ये नहीं कि पेस्ट डाला, एक उबाला दिया, हो गया। जब चिकन आपका 80% पक गया हो तब पेस्ट डालिए, ताकि जब चिकन 100% पके तो पेस्ट भी पक जाए। क्या है, पोस्तो जो है यानी कि खसखस, राइट, उसको पकने में वक्त लगता है, और कच्चे पोस्तो की स्मेल हर एक को अच्छी नहीं लगती। हमें तो बड़ी अच्छी लगती है चावल के साथ पोस्तो बाटा जब हम खाते हैं, लेकिन सबको अच्छी नहीं लगती। ब्यूटीफुल हो गया रब्बा रब्बा। ये जो है ना, ये मैं हर बार ही करता हूँ, मैं पीस पीस के लाल मिर्च जो है उसका हलवा बना देता हूँ। आप चाहें तो इतना ना पीसें, लाल मिर्च साबुत साबुत रहेगी, दिखने में अच्छी लगेगी। बट मेरे को अपना रिजाला थोड़ा सा, मैंने बोला ना, डर्टी येलो डर्टी पिंक टाइप का अच्छा लगता है। अब लास्ट में इंतज़ार करना है सिर्फ तेल के ऊपर आने का, बस जी इतना ही है। लास्ट में थोड़ा मसाला डालेंगे और थैंक यू वेरी मच, प्लेटिंग की तैयारी करेंगे। इसके साथ में चाहिए पराठा, पराठा हो, रिजाला हो, लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए। चलो जी प्लेटिंग की तैयारी करें। मामला बहुत बढ़िया सा हो गया है, एक गड़बड़ हो गई, मिर्च रणवीर ने घोट घोट के घोल दिए हैं। अगर इतना नहीं चलाते तो मिर्च नहीं घुटती, बट अदरवाइज तेल जो है बढ़िया से ऊपर आ गया, घी जो है बढ़िया से ऊपर आ गया है, खुशबू एकदम टनाटन है, केवड़े की खुशबू आ रही है लेकिन ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, खड़े मसालों की खुशबू आ रही है। लास्ट में जो है हम स्प्रिंकलिंग कर देंगे थोड़ी सी अभी और थोड़ी सी बाद में। इसकी जो खूबी है वो यही है, इसलिए रिजाला में सब एक्सपोज हो जाते हैं, क्योंकि ढेर सारे मसाले नहीं हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ है, प्याज है, दही है, लाइटनेस है ना, जो खेल है वो सिर्फ प्याज और दही का है बस। वाह भाई वाह। लालच क्या है ना, लालच ये आता है कि अगर एक टंगड़ी में और रख दूँ तो प्लेट और सुंदर हो जाएगी, और जैसे ही वो एक टंगड़ी रखो तो लगता है नहीं यार ऐसे ही कॉम्प्लिकेट कर दिया, पहले ही प्लेट अच्छी थी, वही होने वाला है। देखिए हो गया ना वो, नहीं नहीं अच्छी लग रही है प्लेट, बहुत सुंदर लग रहे हो रणवीर ब्रार, सॉरी सॉरी, बहुत सुंदर लग रही है प्लेट तुम्हारी रणवीर ब्रार। ये जो ग्रेवी फटी है ना, ये देखिए, जो तेल अलग मसाला अलग, अच्छे रिजाला की मोनोपोली है। फटी है मतलब भुन गई है, भुन गई है मतलब सेलिब्रेट कर सकते हैं आप, सेलिब्रेट। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। फोटो वोटो देखिए, प्लेट घूमेगी, साइड से स्लाइडर आएगा, ये आएगा वो आएगा, मैं अपने खाने की तैयारी करता हूँ। मिलते हैं फूड शॉट्स के उस पार। अच्छा एक चीज़ और, जब आप यहाँ पर काजू पेस्ट या पोस्तो का पेस्ट डाल रहे हैं, उस समय आप चाहें तो इस तरह के कटे हुए प्याज डाल सकते हैं, लास्ट में ढक्कन लगाने से पहले ये डाल सकते हैं, इससे एक और टेक्सचर आ जाता है। कई लोग जो है रिजाला में डालते हैं ऐसा मोटा लच्छा प्याज, एक अच्छा टेक्सचर आता है, प्याज की मिठास और बढ़ जाती है। इफ़ यू वांट यू कैन पुट इट, मैं डालूंगा नहीं लेकिन मैंने कहा बता देता हूँ ना, है? ये है असली मज़ा।
बेसिकली मैं अपने परफॉर्मेंस से बहुत खुश हूं। बेसिकली अगर मैं लाल मिर्च को इतना ना भूनता, चिकन के साथ लगा हुआ था, तो रंग भी बहुत अच्छा था, टेस्ट ने तो बल्ले बल्ले कर रखे हैं। बेसिकली मेरा डिनर हो गया। बेसिकली थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज ट्राई द रेसिपी। थैंक यू वेरी मच।